चीन और अमेरिका के बीच जारी तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है। ताइवान जलडमरू मध्य तनाव का दूसरा पॉइंट बन गया है। आपको बता दें कि चीन और अमेरिका इस इलाके में अपना अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, जिसके चलते चीन के रक्षा मंत्रालय ने चीन और ताइवान के बीच समुद्री क्षेत्र से अमेरिका के एक नौसैन्य युद्धक और तटरक्षक बल के पोत के गुजरने का विरोध किया। चीन ताइवान पर अपना हक जताता है। मंत्रालय की वेबसाइट पर पोस्ट कर एक बयान में इस कदम को उकसाने वाला बताया गया है। बयान में कहा गया है कि यह दिखाता है कि अमेरिका 160 किलोमीटर तक फैले ताइवान जलमंडरू मध्य में सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जिसके चलते हम इसका कड़ा विरोध और कड़ी निंदा करते हैं। वहीं अमेरिकी नौसेना ने कहा कि यूएसएस के निर्देशित मिसाइल विध्वंसक और तटरक्षक बल का पोत मुनरो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र से गुजरा। ऐसे अभ्यास चीन को चेतावनी के तौर पर देखे जाते हैं, जिसने हाल में ताइवान के समीप अभ्यास किए थे। साथ ही कहा था कि द्वीप को अपने नियंत्रण में लेने के लिए जरूरत पड़ने पर बल का प्रयोग कर सकते हैं। अमेरिकी नौसेना के जापान आधारित सातवें बेड़े ने एक बयान में कहा कि पोतों का ताइवान जलडमरू मध्य से कानूनी रूप से गुजरना मुक्त और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को दिखाता है। आपको बता दें कि ताइवान की आबादी 2.3 करोड़ है और ये चीन के साथ हुए गृहयुद्ध के दौरान अलग हो गया। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ने 1949 में चीन के मुख्य भूभाग पर नियंत्रण कर लिया। अमेरिका के ताइवान के साथ राजनयिक रिश्ते नहीं हैं, लेकिन इसका राजधानी ताइपे में एक प्रतिनिधि कार्यालय मौजूद है। आपको बता दें कि ताइवान अमेरिका का सबसे बड़ा रक्षा खरीदार भी है। अमेरिकी तटरक्षक बल एशिया में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, क्योंकि चीनी तटरक्षक दक्षिण चीन सागर में स्थित विवादित द्वीपों के साथ गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। इन विवादित द्वीपों पर चीन और क्षेत्र की अन्य सरकारें दावा करती हैं। अमेरिका और ताइवान के तटरक्षकों ने इस महीने बातचीत की और इससे पहले मार्च में दोनों के बीच सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। चीन ने समझौते की निंदा की और साथ ही चीनी रक्षा मंत्रालय ने बयान में कहा है कि ताइवान चीन का एक अविभाज्य हिस्सा है और चीन अपने आंतरिक मामलों में किसी भी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।